नहीं दोस्तों, कैसे हो मेरी महान आत्माओं। तो आज आप सभी के लिए मेरी तरफ से दो लाइन है। अगर प्यार दिखाई देता तो कैसा होता, उसके हाथ हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते, उसके पैर हमेशा दूसरों के दर्द दूर करने के लिए उठते और उसकी आंखें हमेशा दूसरों की ज़रूरत को समझ पाती और उसके कान हमेशा दूसरों के दर्द को सुन पाते। यही प्यार की सही परिभाषा है। और अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, कल एक कमेंट किया था, बहुत ही अच्छा। मैं मोस्टली जो है कमेंट हमेशा रीड करती हूँ। एक लड़के ने लिखा था, गुरप्रीत ने, कि मैम आप ना ही व्यूज की फिक्र करो और ना ही सब्सक्राइबर और ना ही लाइक की। आप अगर करवा रहे हो तो एक बच्चा भी अगर मुझसे सीखता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि अगर कोई मुझसे सीख के मैथ सीख जाता है। देखिए, अगर हम अपनी खुद एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, जब तक इन सब चीज़ों को हम सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए, बहुत बार जो है हम ऐसा करते हैं कि टीचर्स जो भी हमें पढ़ाता है वो हम देख लेते हैं, उतारते नहीं हैं नोटबुक में और फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो हमें कभी समझ आता ही नहीं। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, मैथ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। मैंने हर जगह कोचिंग वगैरह ली लेकिन दुनिया का कोई भी टीचर मुझे मैथ नहीं सिखा सका। क्यों? क्योंकि मैंने कभी सीखी ही नहीं। और आज मैंने खुद ही जो है सीख ली है और किसी ने भी मुझे सिखाया नहीं, ये सच है। और इसीलिए अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं सीख सकते? ज़रूर सीख सकते हो। लेकिन आज का हमारा जो ये टॉपिक है परसेंटेज का, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये वाली बैच जो मैंने कहा था कि 10 मार्च से हमारे हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशली बैच स्टार्ट हो जाएंगे, ये वही वाला बैच है। और इसमें मैंने जो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना फ्रैक्शन, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि परसेंटेज का, पूरे परसेंटेज में से अगर परसेंटेज का कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी आ जाए और उसमें इन फ्रैक्शन का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जो ही हमारी क्लास ख़त्म होगी परसेंटेज की, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना परसेंटेज का, जो मैंने यहाँ पे सिखाया है और जो ट्रिक मैंने बताई है उनसे वो क्वेश्चन सोल्व ना हो तो मैं उससे फिर लाइव बात करूँगी। देखिए, लेकिन मेरी शर्त है जो मैं यहाँ पे करवाऊंगी वो सारा सीखना पड़ेगा। डिजिट ज़रूर चेंज हो सकती है, वैसे तो पढ़ने को तो बहुत सारा सिलेबस होता है परसेंटेज में, लेकिन यहाँ पे मैं वही करवाने वाली हूँ जो हर बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। बहुत बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन, सिर्फ हमारी डिजिट चेंज होती है। मैंने बहुत सारे जो है इस पर स्टडी करके परसेंटेज की, उसके बाद ही जो है मैंने ये स्टार्ट किया है। और देखिए, मोस्टली जो है कभी कभी हम रेगुलर क्लास लेते हैं तो उसमें एक दो दिन का अगर गैप बीच में जाता भी है तो ये मत सोचिएगा कि जो क्लास जो है हमारी बंद हो गई या फिर रेगुलर नहीं हो रही, उसका एक बहुत बड़ी वजह होगी। अगर कोई क्लास नहीं होगी तो उसकी वजह यही होगी कि मैं जो क्वेश्चन सर्च करती हूँ ना, वो पहले मुझे देखने होते हैं कि ये कितनी बार किस एग्जाम में रिपीट हुआ है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फिर वही मुझे उठाने होते हैं। तो इसीलिए ये आप सबके लिए ही मैं करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी लाइट की दिक्कत आ जाती है, तो हमारा जो हरियाणा पुलिस है उससे पहले हम अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करवा देंगे। एंड सेकंड बात ये है कि रीजनिंग की है, तो वीक में एक क्लास हमारी रीजनिंग होगी। रीजनिंग का कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो तो 20 दिन का काम है, तो वहाँ पे हमारी टोटली 20 क्लास में ही हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो जानी है, क्योंकि रीजनिंग के मैं सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही करवाने वाली हूँ HSSC के जितने भी आए हैं। एंड सेकंड, हमारी मैथ का हमारा चल ही रहा है, और मैथ के जो भी HSSC में ओल्ड क्वेश्चन हमारे आए हैं अरिथमेटिक से, वो तो सारे हमारे होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ ही हमारा परसेंटेज का कोई एक सिंगल क्वेश्चन मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। दूसरी बात, अब हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे इस पेज में मैंने सिर्फ ये डिजिट लिखी हुई हैं, ये मैंने इसलिए लिखी है, यहाँ पे हमारे सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं इस पेज में, और इस 15 क्वेश्चन में हमारा हाफ परसेंटेज ये मान लो कवर हो जाएगा। कैसे? हमारी जो डिजिट वगैरह है ये परसेंटेज की फ्रैक्शन है, और ये जो हमारा प्रतिशत है इसमें क्या है, हमारी हाफ अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाती है। CISI प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, सब में जो है ये हमारी डिजिट आने वाली हैं, और ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे इनको ऐसे तरीके से सिखाने वाली हूँ कि आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो 15 डिजिट यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ उनमें से आपका जो है पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारी छोटी छोटी डिजिट होती है ना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, तो वो सारी की सारी जो है इन्हीं क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में ही कवर हो जाएंगी सारे के सारे डिजिट।
तो देखिए काफ़ी मेहनत लगी है ये सब लिखने में, और अगर कोई सीरियसली लेके ये सब पढ़ रहा है तो वो अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार ले जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है और जो भी मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। और बाकी जो डिसलाइकर नहीं आया है सिर्फ, तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। बाकी मैंने यहाँ किसी से कोई पैसे नहीं ले रखे हैं कि आप सब जो है गुस्से में आके डिसलाइक कर दोगे, और उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप सब्सक्राइब भी ना करो, चाहे लाइक भी ना करो, चाहे डिसलाइक भी ना करो, मुझे जो करना है वो मैं करती रहूँगी हमेशा। देखिए अगर कोई भी डिसीजन ले तो कभी भी पीछे पलट कर मत देखो, क्योंकि बार बार पीछे पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते। और हमेशा लोग पत्थर उसी पेड़ को मारते हैं जिस पेड़ पे आम लगे रहते हैं। तो देख लो अब आपको पत्थर मारने वाला बनना है या फिर आम का पेड़ बनना है, वो आप पर ही डिपेंड है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप सभी का, तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो क्लास है वो है हमारा परसेंटेज का, और परसेंटेज में हमारे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, मैं डायरेक्ट वहीं पे ही बात करने वाली हूँ। ना ही हम कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे और ना ही ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम जो हमें घुमा दें, ना ही हमें याद रहें, ऐसा कुछ हमें पढ़ना ही नहीं है। सारा कुछ जो है इन्हीं में हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू प्रतिशत, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू प्रतिशत, ये वाले हम करने वाले हैं। और इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट लिए हैं मैंने, जिनमें ये सारे कुछ जो है कवर होने वाले हैं, छोटी जो भी हमारी जितनी भी परसेंटेज की डिजिट है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 3/5। अब देखिए हम ऐसा कौन सा यहाँ पे इनमें से ऐसी कितनी डिजिट निकालें, कौन सी डिजिट निकालें जिससे कि हम छोटी से छोटी ये बन सके और हमारे माइंड में बैठ सके। अगर हम कोई भी बड़ा काम करते हैं, बड़ा सोचते हैं, तो पहले हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ही तो हम छोटा छोटा करके जो है उसको टुकड़े बना बना के पूरा काम होता है। ये वही बात है बिल्कुल वैसे ही, जैसे हम 3/5 का तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमें याद है 1/5 का। और 1/5 का मैं यहाँ इसमें से मैंने 1/5 निकाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा रह क्या गया, सिर्फ 3 रह गया। इसको मैं एक बार साइड में रख लेती हूँ। अब 1/5 का हमें पता है, इसमें देखने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो 100 होता है, तो 1/5 का प्रतिशत निकालते हैं तो ये हमारा 20 आता है यहाँ पे, और ये हमारा 3 है ही, और इसके साथ हम इसकी मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा 60% हो जाएगा आंसर। और सेकंड है हमारा, देखिए यहाँ पे मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि 1/2, 1/3 का क्या होता है, ये हमारा इस जो ये हमारी छोटी छोटी डिजिट हैं ये इन सब में ही सारी कवर हो जाएंगी, उसी हिसाब से मैंने जो है क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो देखिए सेकंड हमारा क्या है, 3/4। इसमें देखिए इसमें से मैंने 1/4 यहाँ साइड में निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारा 3 रह गया। अब ये जो 3 है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको क्लियर कर ले। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज का मतलब पता है 100, ये तो सबको ही पता होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो ये होता है हमारा 25 चौके 100, और 25 की इस 3 के साथ अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये होगा हमारा 75%। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब हमारी जो थर्ड डिजिट है उसमें मैंने क्या रखा है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है 7/9। अब देखिए इसमें से हमें 1/9 क्या करना है, अलग से निकालना है, और यहाँ पे हमारा 7 रह गया। 1/9 का हमें क्या याद रखना है, देखिए जब कभी भी 1/11 या फिर 1/9 का हमें प्रतिशत निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इस फ्रैक्शन का, देखिए ये जो 9 है इसको हम नीचे लिखेंगे हमेशा। अगर यहाँ 11 होता तो मैं यहाँ 11 लिख देती, यहाँ पे 9 है तो मैंने 9 लिख दिया। अब यहाँ पे 11 लिख देंगे और ये हो गया इसका जो है प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 है तो इस 7 का हमें क्या करना है, इसके साथ मल्टीपल करना है। यही तो हम करते आए हैं साइड वाले में कि जो हमारा यहाँ बचता है उसके साथ हमारा जो यहाँ ऊपर होता है उसी की हम मल्टीपल करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये हमारा ऐसा आया है, तो हम इसके साथ में कैसे करेंगे इस 7 के, तो 11 7 हमारा 77 हो गया, और ये जो 7 है और ये 1 है तो इसको क्यों छोड़ें, इसके साथ भी कर देते हैं, ये अकेला क्यों रहे भाई, इसको भी कर दो। तो ये हो गया हमारा 77 सही 7/9, ये हो गया हमारा प्रतिशत।
अब हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है वो मैंने ली है यहाँ पे 4/11। देखिए सारे डिजिट जो है मैंने इस हिसाब से लिए हैं कि जो भी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है डिजिट, जो भी फ्रैक्शन यहाँ नहीं लिखी हुई है, वो सारी हमारी 15 क्वेश्चन में कवर हो जाए। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमें अच्छे से समझ भी आ जाए सारा कुछ। तो यहाँ पे 4/11 फोर्थ का क्वेश्चन है ये हमारा, तो इसमें से मैंने 1/11 जो है यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे हमारा क्या रहा, 4 रह गया। अब देखिए 1/11 का क्या होगा, यानी 4 × 1/11 का अगर मैं इसको प्रतिशत निकालूंगी तो यहाँ अपॉन में हमारा 11 है तो मैं यहाँ 11 ही लिखूंगी और यहाँ हमारा 9 और 1, तो ये 9 9 1/11 और 9 4 36 और 4 1 4। इस एक को मत भूल जाना कभी भी। अगर हम यहाँ जो डिजिट होगी इसके साथ मल्टीपल होगा ये वाले का, ये जो हमारी ऊपर वाली डिजिट है, अगर इसका इनके साथ भी मल्टीपल होगा तो हम एक को नहीं छोड़ सकते, इसके साथ भी होगा। तो ये होगा हमारा 36 4/11। अब हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 10/11। इसमें मैंने जो है 1/11 इसमें से अलग कर लिया। अब 1/11 की फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो ये होगा हमारा अपॉन में इसके 11 है तो हम 11 ही लिखेंगे और यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे 10 रह गया क्योंकि हमने 10/11 में से 1/11 का तो ये लिख लिया फ्रैक्शन, हमारा 10 रह गया। 10 का हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ये हमारा 90 हो जाएगा और इसके साथ करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत आंसर। उसके बाद हमारी जो इसी में नेक्स्ट जो डिजिट है वो मैंने ली है 8/9। तो देखिए इसको मैंने 1/9 यहाँ पे निकाल लिया। 1/9 1/9 का फ्रैक्शन मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 9 है अपॉन में 9 ही लिखूँगी तो यहाँ पे हमारा ये आ गया 1/9 का फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारा 8 रह गया, यहाँ पे अगर मैंने इसका मल्टीपल किया तो 11 8 88, 8 का इससे किया तो 8 और 9, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हमारा जो सेकंड तरीका है कि वो और किस तरह से जो है हमें घुमा के फ्रैक्शन पूछ सकता है एग्जाम में और हमेशा पूछी गई है, और इन्हीं फ्रैक्शन से जो है हम परसेंटेज का, CISI का, प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं करेंगे कभी चैप्टर में, तो इन्हीं से जो हम सोल्व करने वाले हैं, इनका बड़ा रोल है तो इनको बड़ा थोड़ा ध्यान से देख लेना जो हमारा बेसिक है उसको। देखिए सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है इसने पूछा है कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने दिया है 5/8। अब ये मत समझ लेना कि ये वाला जो है जो मैंने पहले करवाया था ये वही है सेम है तो मैंने यहाँ पे इसको क्यों लिया है, आप ध्यान से देखना ये बिल्कुल अलग है। तो हम कोई तरीका नहीं छोड़ने वाले हैं कि वो पूछेगा और हमें आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए 5/8 में से अगर मैं यहाँ पे 1/8 निकालूंगी तो हमें पता होना चाहिए, ये 5 हम एक बार यहाँ रख लेते हैं, ये ज़रूर यहाँ साइड में रख लेना ताकि हम जल्दबाजी में भूल ना जाएं। तो देखिए 5 यहाँ रख लिया और 1/8 यहाँ रख लिया, इसका काम हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। 1/8 कितना होता है हमें यहाँ देख लेना है, 12 सही 1/2। अब 1/8 12 सही 1/2 होता है तो हमें क्या करना है, ये वाला हमारा जो 5 है इसकी हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे और 12 5 हमारा कितना होता है 60 होता है, और यहाँ पे इस एक के साथ अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा 5 हो गया और ये हमारा यहाँ पे 2 हो गया। आ गया क्या हमारा आंसर, नहीं आया है। ये गलती हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये इतना सा कुछ करते ही खुश हो जाते हैं कि हमारा आंसर आ गया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। तो देखिए जैसे ये 5 है, हमें हमेशा ध्यान रखना है अगर हम किसी भी क्वेश्चन की फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी जो नीचे वाली डिजिट है इससे ऊपर वाली डिजिट बड़ी है या छोटी है। अगर ये छोटी है तब तो हमारा आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर ये बड़ी आ रही है फिर तो हमें कुछ करना पड़ेगा।
तो ये बड़ी है, तो जब कभी भी हमारी छोटी वाली डिजिट से ये वाली डिजिट बड़ी हो तो याद रखना है हमारी ये जो यहाँ वाली डिजिट है इसको हमें डिवाइड कर लेना है, इसके और टुकड़े कर देने हैं। इसके टुकड़े कैसे करने हैं हमें, देखिए बिल्कुल बच्चों की तरह देख लो, जैसे 5 है ऊपर वाली डिजिट है, तो हम यहाँ 5 को यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये ही तो आएगा, ये ही तो रहेगा। और मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ, 2 से 1/2, तो ये बात एक ही हो गई। अब मैं 5/2 को 2 से 1/2 लिखूँगी तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। हम चाचा को अंकल कहें या चाचा कहें, बात तो एक ही है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला हमारा 60 है, इसको तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। अब ये हमारा 60 रह गया, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब ये हो गया हमारा 62 आंसर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है मैंने क्या लिया है वो देख लो। देखो नेक्स्ट वाली डिजिट है ना, ये सारे के सारे जो हैं अलग टाइप की हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। मैंने कोई रिपीट नहीं कर रखा है, 1-2 रिपीट किया हुआ है, लेकिन वो फ्रैक्शन अलग हैं, उनमें वो इसलिए की हैं ताकि हमारी कोई भी फ्रैक्शन छूट ना जाए, इसलिए सारे अलग अलग तरीके से हैं। तो देखिए 5/6, सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है, 5/6, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसमें से मैंने 1/6 तो यहाँ निकाल लिया, और यहाँ पे हमारा 5 मैं यहाँ रख लेती हूँ, इसका काम हमारा यही ख़त्म हो गया। अब 1/6 का हमें देखना है फ्रैक्शन कितना होता है इसका प्रतिशत। 1/6 का होता है 16/2/3%, तो मैं यहाँ लिख लूँगी 16/2/3%। उसके बाद हमारा 5 है, तो 5 को मैं यहाँ मल्टीपल कर दूँगी। अब 16 × 5 कितना होता है हमारा, 80, और इस 5 का मैं इस 2 के साथ भी मल्टीपल करूँगी, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 10, और ये हो गया हमारा 3/4। ये समझ लेना है कि ये वाला हमारा 5 है उसका मल्टीपल हमारा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ऐसे ही होता है मल्टीपल। और उसके बाद हमारी ये वाली डिजिट आ जाती है, और यहाँ पे हमारा नीचे वाले जो डिजिट है उससे ये वाला बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसे और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा बनेगा ऐसे, और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम डायरेक्ट हमारा आंसर लिख देंगे। हमारा जो क्या था यहाँ पे 80 रह गया, 10 की पावर, ये यहाँ पे देखिए ऐसे, वो मैंने बीच वाला 9 लिख दिया था। तो देखिए यहाँ पे अब 10 की पावर 10/3 को हम 3 से 1/3 लिख सकते हैं, यानी 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, 10/3। तो यहाँ पे इसका काम भी ख़त्म हो गया, रह गया हमारा 80, तो इसको मैं यहाँ 80 कर दूँगी, और ये होगा हमारा 83/1/3 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी डिजिट है वो कितनी है, 7/15। 7/15 हमारी नेक्स्ट डिजिट है, ये सारी अलग डिजिट हैं, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लें। उसके बाद 7/15 के हमारी जो डिजिट है, देखिए यहाँ पे 7 को हमने अलग से रख लिया है निकाल के पहले ही, तो हमारा रह गया 1/15। अब 1/15 क्या है, हमें यहाँ देखना है 6/2/3, यानी 6/2/3। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 × 6 = 2/3, यानी 1/15 का अगर हमने ये वाले ये प्रतिशत निकाला है, तो इसको हम यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल तो करेंगे जो हमारा बचा हुआ है, और 7 × 6 हमारा 42 होता है, और यहाँ पे हम 2 को अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे 14 हो गया, और ये 3 हमारा यहाँ पे है। लेकिन अब क्या करना है, ये हमारा क्या है, ऊपर वाली डिजिट बड़ी है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 रहेगा। अब ये 2 हमारा ऊपर जाएगा, और 3, ये वाला 3 हमारा यहाँ रह जाएगा।
तो ये हमारा डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। देखिए 14/3 को अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसका काम भी हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, हमारा तो सिर्फ 42 रह गया, और इस 42 को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये होगा हमारा 46 सही 2/3 आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/7। हमारी जो अगली डिजिट है वो है 6/7। देखिए मुझसे पहले जो है, जब तक मैं ये निकाल रही हूँ, मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तब तक आप जो अपनी नोटबुक में मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो। तो 6/7, तो यहाँ पे देखिए 1/7 है, 1 यहाँ पे 6 मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसका काम हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो 6 है, 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 को हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। तो देखिए अब इसकी इसके साथ में हमें मल्टीपल करनी है, तो 6 × 14 सही 2/7%। अब देखिए 14 छिके कितना होता है 84, और यहाँ पे इसकी मैं इसके साथ भी मल्टीपल करूँगी, और 6 × 2 हमारा कितना होता है 12। एक देखिए हमें पहाड़े ज़रूर सीख लेने हैं, कम से कम हमें 30-35 तक तो पहाड़े सीखने ही हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सीखने की, तो पहाड़े में जो है मैं भी कभी कभी अटक जाती हूँ। तो देखिए 84 जो है यहाँ पे 12 हो गया हमारा, 6 × 2 = 12, और यहाँ पे 7/ तो देखिए यहाँ पे ये वाली डिजिट बड़ी है, तो हमें क्या करना है, हम इसको छोटा कर देंगे भाई। तो यहाँ पे हमारा होगा 7 × 7, और कितने रह गए, तो यहाँ पे हमारे रह गए 5, और मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे इसका काम भी हमने ख़त्म कर दिया, हमारा तो यही एक रह गया, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। अगर इसको इसमें ऐड किया तो 85 5/7 हमारा आंसर, ये कितना था 6/7 का। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो 7/24 की, हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है वो किसकी है 7/24 की। तो 7/24 इसके लिए हमें 1/24 अलग कर लेना है भाई, और 7 जो है हमें यहाँ कर लेना है, ये हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। देखो हमें ये वाली डिजिट जो है महान आत्माओं अच्छे से रटना क्या है, सीख लेनी है, बार बार देखना है कोई भी चीज़ को। हम देखिए कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें याद नहीं रहती, अगर हम उसको रटते हैं तो भी हमें याद नहीं रहती, अगर हम उसको एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देखते तो भी हमें याद नहीं रहती, लेकिन उसी चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो उसे हम कभी भूल नहीं पाते। तो यही हमें मैथ के साथ करना है, हमें इसको कभी भूलना नहीं है। देखिए 1/4 है, 1/4 हमारा कितना है 4 सही 1/6, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4 सही 1/6। ये वाला 7 है, यहाँ 7 × 28 यहाँ लिख दिया मैंने, और इसके साथ अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा ये आंसर होगा, और ये वाली डिजिट हमारी इससे क्या है बड़ी है। तो यहाँ पे हम इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारा ऐसे होगा, और यहाँ पे हम इसको ऐसे होगा, तो ये वाली उठा के, ये वाली तो हमारी ख़त्म हो गई, और ये वाली यहाँ हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 29 सही 1/6। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है वो है हमारी 9/16, नेक्स्ट डिजिट होगी हमारी 9/16, 9/16, 1/16 यहाँ लिख लेती हूँ, 9 मैंने यहाँ निकाल दिया, इसका काम तमाम हुआ। 1/16 हमारा कितना होता है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस 9 का मल्टीपल करूँगी तो यहाँ पे हमारा ये होगा, और ये इसको अकेला क्यों छोड़े भाई, तो इसको भी साथ लेके चलो। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला, ये तो हमारा बड़ा डिजिट है, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, और ये होगा हमारा यहाँ पे ऐसे। ये वाला हमने यहाँ फिनिश कर दिया, रह गया हमारा 54, तो रह क्यों गया, इसको हम इसके साथ ऐड कर देते हैं,
तो ये होगा हमारा 56 सही 1/4 आंसर, ये भी हमारा ख़त्म हुआ। उसके बाद देखिए अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे वो वाले देख लो। अब एग्जाम में किस तरीके से पूछेंगे, ये तो वो फ्रैक्शन है जो हमारे एग्जाम के हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी तक मैंने करवाई। अब हमारी जो होंगी वो देखो, एग्जामिनर कह देगा आपसे 11/7 कन्वर्ट टू किसमें प्रतिशत, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 11/7 मैंने अभी भी क्या समझाया था, अगर हमारी ऊपर की डिजिट बड़ी है तो हम उसको थोड़ा छोटा करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो वो वाली ट्रिक हमारी यहाँ लागू होती है। क्वेश्चन में ऐसे ही होंगी ये सारी ट्रिक जो मैंने करवाई है, ऐसे ही हमारी लागू होने वाली हैं और तभी हम जो है औरों से बेहतर बन पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 11/7 है तो मैं इसमें से 1/7 अलग निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पे हमारा 11 रह जाएगा। अब 1/7 जो है यहाँ पे हमें देख लेना है कितना है, 14 सही 2/7। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये 11 है ये वाला हमें यहाँ देख लेना है 14 सही 2/7। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा 11 है इस 11 को मैं यहाँ पे हाँ 1/7 होता है हमारा 14 सही 2/7, तो उसके बाद ये वाला जो हमारा 11 है नहीं पहले हमें डिवाइड सॉरी मैं खुद पहले हम डिवाइड करते हैं इसको, थोड़ा माइंड से उतर गया सॉरी। तो देखो 11/ इसको मैं 7 से भाग दूंगी 11 को, तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगी और यहाँ पे 4 होगा और ये बन गई हमारी इसकी फ्रैक्शन। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे ये बन गया तो यहाँ पे ये हमारा पूरा सोल हो गया। अब ये पूरा सोल हुआ तो ये जो हमारा 1 है इसको मैं यहाँ पे 100 लिख सकती हूँ ना, ये 1 को मैं 100% लिख सकती हूँ। देखिए कभी भी आ जाए कि 100% का कितना फ्रैक्शन होगा तो वो 1 होगा, 200 का कितना होगा 2 होगा भाई, 300 का कितना होगा 3 होगा भाई, 400 का कितना होगा 4 होगा। तो ये सारे जो हैं इस अब ये इसमें कवर हो जाएंगे, ये 300 400 100 वाले जो हैं इसमें हमारे जो सेकंड थर्ड जो हमारा जो ट्रिक है ना वो इसमें कवर होने वाले हैं सारे फ्रैक्शन। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 1 जो है हमारा 100% है, मैंने 1 को 100% माना है। अब हमें देख लेना है 4/7 कितना होता है, इसका तो हमने काम यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे 4/7 का हमें देखना है 57 सही 1/7%। तो देखिए 1 का 100% होता है और 4/7 का 57 सही 1/7% होता है और इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और यहाँ पे 157 सही 1/7% हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसको हम देख लेते हैं कि और किस तरीके से वो पूछ सकता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन दे देगा 37/12 कन्वर्ट टू प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 37/12 है तो हमें इसको छोटा बना, मैंने कहा था कि अगर कभी भी हमारी ये बड़ी डिजिट होती है तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 36 पे जाएगा ये, यहाँ पे 1 रहेगा और ये होगा हमारा ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया और मैंने कहा क्या कहा था 300 का 1 200 का 2% 500 का 5%, तो यहाँ पे हमारा 3 है इसका बनेगा हमारा 300% और 1/12 का हमारा क्या बनेगा, 1/12 का बनेगा हमारा 8 सही 1/3% और इसको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 308 सही 1/3%, यही होगा हमारा आंसर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31/6
31 पून 6, ये सारी डिजिट जो है हमें अपने माइंड में बैठा लेनी है। 31 पून 6 कन्वर्ट टू प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे 31 को मैं 6 से भाग कर देती हूँ, ये हमारी अलग टाइप की भी आएंगी, आप देखते जाओ। तो यहाँ पे ये 5 पे अगर गया है तो यहाँ पे हमारा शेष 1 रहा है, और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो देखिए 5 है तो मैं इसको 500% लिख सकती हूँ, और 1/6 हमारा कितना होता है 16 सही 2/3, और ये हो गया हमारा 516 सही 2/3, यही हमारा आंसर। अब देखिए और किस तरीके से इसी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो वाले देखो। जैसे क्वेश्चन 31/6 का क्या था, क्या मैंने अभी ये देख लेते हैं, 23/12। तो देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, देखिए 23 है, एक बार मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये तो इसमें काफ़ी लंबा जाएगा, 12 × 2 = 24 है ही नहीं, 23 है, अगर हम 12 × 12 लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका 3 में से 2 गया, 1 2 में से 1 गया, 1, और ये तो हमारा काफ़ी लंबा जाने वाला है, ठीक है। वैसे ये वाला तो चल जाएगा, और इससे बड़ी जो डिजिट होगी ना वो वाली करूँगी, उसमें देखना फिर। यहाँ पे मैं इसको 100 लिख सकती हूँ, और 11/12 कितना होता है, 11/12 अगर हमें पता है तो ठीक है, तो ये 91 सही 2/3%, और मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ 191 सही 2/3%। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन अगर हमें इससे बड़ी अगर कोई डिजिट आ जाती है तब, और हमें याद भी नहीं होती उनकी छोटी वाली फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे उसके लिए देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला है मेरा छोटा सा। देखिए जैसे मैंने 21/11 लिख दिया, अब हमें अगर इसको डिवाइड करूँगी मैं, तो देखिए ये अगर 11 × 22 करूँगी मैं तब तो ये पूरा चल जाता, अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये हमारा 10 हो गया, और ये तो काफ़ी हमारा लंबा जाने वाला है। वैसे अब हमें याद नहीं है 10/11 का जो है हमारा क्या प्रतिशत बनेगा, हमें सारे थोड़ी ना याद रहते हैं, तो इसके लिए हमारी एक अलग से ट्रिक है, अगर किसी को याद भी हो तो अच्छा है, जल्दी जो हमारा सोल्व होगा, लेकिन बहुत बार हमें जो है ये याद नहीं रहती, और जब हमें बड़ी वाली हर तरह की हमारी जो फ्रैक्शन हमें याद नहीं रहती है, तो उस इमरजेंसी में हमें जो है, मैं आप सबको बताती हूँ कौन से फॉर्मूले का यूज लेना है। देखिए ये 21 है, मैं इसमें अगर 1 ऐड कर देती हूँ तो 22 हो जाता है, और फिर हमारा जो डिवीजन करना बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन मैं इसको लिखूँगी कैसे, मैं इसको इस तरीके से लिखूँगी, जैसे मैंने यहाँ मैंने 22 लिख दिया, अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर देती हूँ तो हमारा 21 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं ये 11 लिख देती हूँ, क्योंकि ये तो है ही, अब यहाँ पे ये इसका काम हमारा यहीं ख़त्म हो गया, अब हमें इस पे ध्यान देना है, 11 × 2 हमारा कितना होता है भाई 22। तो देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ 2 सही 1/11, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे डायरेक्ट कट करके 11 × 22 तो 2 सही 1/11, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, और यहाँ पे 2 जो हमारा आया है ये कितना होता है, ये होता है हमारा 200% मैंने बताया था ना 200%, और 1/11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/11 का अगर मैं फ्रैक्शन निकालती हूँ तो ये होगा हमारा इस टाइप का 9 सही 1/11। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको 9 सही 1/11 लिखती हूँ, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस किया है यहाँ पे हमने, तो मैं यहाँ भी माइनस ही करूँगी, पहले वाले में हम ऐड करते आए थे, पहले वाले पीछे जो मैंने ट्रिक करवाई थी उसमें हमने ऐड करते आए थे, लेकिन यहाँ पे हम माइनस किए जा रहे हैं अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, तो मैं यहाँ माइनस ही करूँगी, तो ये हमारा कितना रहेगा यहाँ 191।
अब ये 191 है और यहाँ पे हमें क्या करना है, वन देख, हाँ यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/11। अब जो हमारा 1/11 है, इसमें से ये जो हमारा 11 है, इसमें से हमें जो ऊपर होगा ना ये वाला, ये हमें माइनस कर देना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो होगा और ऊपर जो होगा वही उतना ही इसमें से माइनस कर देना है। तो ये हमारा 10/11 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पे हमें एक जो है इसमें से मैंने ऐड किया, एक इसमें मैंने माइनस किया है, तो वो एक जो है मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी और ये होगा हमारा 190। और तो यहाँ पे मैं इसको अब लिख सकती हूँ 190 सही 10/11। देखिए उसके बाद हमारा जो एक इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, फिर उससे आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके से करवा रही हूँ मैं, 23/12। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 24 में से एक माइनस करूँगी तो हमारा 23 होगा ना, और मैं यहाँ अपोन में 12 कर देती हूँ, और 12 दूनी हमारा कितना होता है, 24 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 2 है हमारा, ये तो हमारा 200 हो गया, और इसमें से हमें माइनस करना 1/11 हमारा कितना होता है, 1/11 होता है हमारा 8/3। तो 8/3। अब ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा 192 हो गया, 200 में से 8 जाएंगे तो हमारे कितने होंगे, 192 ही तो होंगे। और इसमें से अब सॉरी गाइस, इनकन्वेंस, बहुत बार जो है लाइट चली जाती है बीच में, इसीलिए जो है मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बीच में जो कुछ क्लिप वगैरह मैंने अभी तक तो कोई एडिट नहीं की है, जो है लाइव की तरह ही होता है, मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे बनाती है सेम अपलोड कर देती हूँ, लेकिन बहुत बार लाइट चली जाती है, इस वजह से मुझे कुछ जो है कटिंग करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 200 में से अगर 8 गए हैं तो हमारे 192 हैं, और 10/3 जो ये हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा कितना था, 1/12 का हमारा 8/3 था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारी नीचे वाली डिजिट है, इसमें से हम ऊपर वाली को हमेशा माइनस करेंगे, तो इसमें से अगर एक माइनस करेंगे तो ये हमारा 2/3 होगा। अब यहाँ पे हमने 200 में से माइनस 8 किया था, तो हमारा रह क्या गया, जो ये एक हमने यहाँ पे माइनस करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने एक ज़्यादा लिया था आसान बनाने के लिए, तो यहाँ पे होगा हमारा 191। तो हमारा आंसर होगा 191 सही 2/3। देखिए ये समझ नहीं आया तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसके बाद अगर मैं अलग कोई डिजिट लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 21, ये तो कर दिया था, 38/30। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बड़ी वाली है तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर कभी भी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली बिल्कुल आसानी से कटती हो, एक या एक नंबर ज़्यादा हो एक नंबर कम हो, तो हमें वो वाली उठा लेनी है, हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें बिल्कुल आसानी से। तो देखिए अगर मैं 39 में से एक माइनस करूँगी तभी तो हमारा 38 आएगा, और यहाँ पे अपोन में हमारा कितना है 13, और 13 × 39 होता है सबको पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे हमारा क्या है, आधा काम हो गया, और यहाँ पे मैं 3 को 300% लिख सकती हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, पहले वाले में हमने प्लस किया था और इसमें हम क्या करना है, माइनस करना है, और 1/13 का कितना होता है वो हमें देख लेना है, 1/13 का होता है हमारा 7/9
13। तो देखिए अगर 300 में से 7 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 293। अब देखिए ये 293, 13 में से अगर 9 माइनस करूंगी मैं तो कितना रहेगा, 4 बाय 13। लेकिन ये हमें नहीं भूलना है कि हमें यहाँ एक माइनस किया था, तो वो माइनस हम यहाँ भी करेंगे, तो ये होगा हमारा 292। तो ये हो गया हमारा 292 सही 4 बाय 13 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, जब कभी भी लाइट जाती है बीच में तो मेरा काम डबल हो जाता है, मुझे दो वीडियो जो है जोड़नी पड़ती हैं, वरना मैं ऐसे डायरेक्ट कट करके अपलोड कर देती हूँ। तो देखिए उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44/15 कन्वर्ट टू प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि भाई 15 थी अब तो 45 होता है, तो हम क्यों यहाँ पे झमेला करें, हम डायरेक्ट अपनी शॉर्ट ट्रिक का यूज लेंगे। यहाँ पे मैं 45 लिखूँ, अगर मैं 45 में से एक माइनस करूँ तो यहाँ पे हमारा 44 तो रहेगा ना, तो यहाँ पे मैं अपॉन में 15 लिख दूँ, और 15 तीन हमारा कितना है 45 होता है, तो मैं यहाँ इसे लिख सकती हूँ 3 सही 1 बाय 15, और 3 का हमारा 300% होता है, और हमें क्या करना है, माइनस है यहाँ तो माइनस तो हम करेंगे ही ओब्वियसली। उसके बाद देखिए 1 बाय 15 रह गया हमारा, इसका हमें देखना है कितना प्रतिशत है इस फ्रैक्शन का, 6 सही 2/3%, और इसमें से अगर हम ऊपर वाला 2 माइनस करेंगे तो हमारा होगा 1/3, अगर हम 300 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा होगा 294, और हमारा ये 1 है इसको भी हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा होगा 293, तो हमारा आंसर होगा 293 सही 1/3। देखो इसमें से 45 में से माइनस एक करा 44 आ गया, तो हम किसी भी चीज़ को आसान बनाने के लिए कुछ तो अपने पास से जोड़ सकते हैं, और मैथ तो चीज़ ही इसी है जिसमें हर कुछ मान के चलना पड़ता है। तो देखिए 15 + 45 तो 3 सही 1/15, तो मैं लिख सकती हूँ ये वाला ये 1 हमने यहाँ रख दिया है। उसके बाद देखो 3 का मैंने यहाँ 300% कर दिया, और ये जो हमारा 1/15 है तो इसका प्रतिशत हमारा कितना होता है 1/15 का, 6 सही 2/3, और यहाँ पे मैंने कहा है ये जो हमारा आएगा इसमें हमारा जो ये नीचे वाला अंक है इसमें से ऊपर वाले को माइनस करना है, और जो भी आएगा हम ऊपर लिख देंगे, तो ऊपर कितना हमारा 1 आया है तो इसको मैं 1/3 लिख देती हूँ, और जो हमारा 6 है इसको मैं इस 300 में से माइनस करती हूँ, 294 आता है। और उसके बाद हमें ये नहीं भूलना है कि हमने यहाँ पे एक डिजिट एक्स्ट्रा ले रखी है, तो वो वाली हमें यहाँ माइनस कर देनी, तो हमारा 293 हो गया, आंसर होगा हमारा 293 सही 1/3। उसके बाद हमारे और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 44/15 का हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में हमारी डेली जो है 1 आवर की क्लास तो होनी ही है, और ये उनके लिए है जो सीरियसली लेके यहाँ पे सीखने वाले हैं, और जो काम हम नहीं कर सके, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सके, शायद हमारा पढ़ाया हुआ कोई पहुँच जाए तो उससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो देखिए 566 सही 2/3, ये हमारा एक अलग तरह का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, कन्वर्ट टू प्रतिशत, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ससी में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए 566 है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं भाई, हमारी तो आदत है हर काम को छोटा छोटा करने की। तो देखो यहाँ पे मैं 500 अलग लिख लेती हूँ, और 66 सही 2/3 मैंने यहाँ लिख दिए, तो हमें क्या करना है, 66 सही 2/3 हमें किसमें देखना है, किसमें है भाई, ये 2/3 का प्रतिशत है 2/3, और इसको अगर 500 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 फ्रैक्शन में, 500 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 ही तो लिखेंगे, और ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया हमारा आंसर 5 सही 2/3 हमारा आंसर, सिंपल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह का आ सकता है, वो देख लो एक बार, नेक्स्ट वो क्वेश्चन कर सकता है
ये 1/13 था ना, कन्वर्ट प्रतिशत टू फ्रैक्शन कन्वर्ट, ये हमारा अलग आ गया, अलग टाइप आ गया, कन्वर्ट कन्वर्ट प्रतिशत टू फ्रैक्शन, कन्वर्ट प्रतिशत टू फ्रैक्शन। तो देखो वो ऐसे दे देगा 106 2/3 प्रतिशत कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं, खासकर तो HSSC में तो बिल्कुल ही। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम इनके टुकड़े कर लेते हैं, ये 106 है तो मैं इसको यहाँ 100 लिख देती हूँ, हमारा रह गया 6 सही 2/3। हमें ढूंढना है 6 सही 2/3 कहाँ पे है, 6 सही 2/3 तो ये होगा हमारा 1/15 का, ठीक है 1/15 का। और यहाँ पे मैं 100 को क्या लिख सकती हूँ, 100 को मैं 1 लिख सकती हूँ ना फ्रैक्शन में, तो ये 1 हमारा यहाँ हो गया। लेकिन वहाँ पे तो वो तो ठीक था, लेकिन हमें यहाँ इस फ्रैक्शन में हमें यहाँ तक ही नहीं रुकना, ये आगे और 16 होगा, कैसे 15 और 1 16, तो इसका हमारा आंसर होगा 16/15। क्यों, क्योंकि क्या कहा है, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, प्रतिशत आ गया ये हमारा, और इस प्रतिशत को हमने फ्रैक्शन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 457 सही 1/7 प्रतिशत कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। तो देखो इसके लिए 400 को मैं लिख सकती हूँ भाई 4, ये तो 400 का खेल ख़त्म, रह गया हमारा 57 सही 1/7%, और कितना होता है 57 सही 4/7, तो यह फ्रैक्शन में 4/7 में लिख देती हूँ, तो ये हमारा ऐसे हो गया, 4 7 हमारा 28 होता है, और 28 में अगर मैं 4 और ऐड कर दूंगी तो ये होगा हमारा 32/7, फ्रैक्शन में हो गया ना कन्वर्ट। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट में इसने क्या कहा है, 406 1/4 प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे 400 हमने लिख लिया अलग से, और 6 सही 1/4 प्रतिशत फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, तो 6 सही 1/4% किस में आ रहा है हमारा 1/16, और 400 का हमारा 4 होता है फ्रैक्शन में, तो ये हमारा प्रतिशत है, और इसको हमें फ्रैक्शन में, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा होगा यहाँ पे, हाँ या 16 चौके हमारा कितना होता है 64, और 64 में हम एक ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 65, और ये होगा हमारा फ्रैक्शन में आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज था उसका बेसिक, जो भी हमारी फ्रैक्शन होती हैं, जो भी हमारे प्रतिशत होते हैं, किस टाइप से आ सकते हैं और कितने टाइप से आ सकते हैं, सारा मैंने जो है आज की क्लास में कवर कर दिया है। अब कल की क्लास में क्वेश्चन आप सब निकालने के लिए तैयार रहिए। और दूसरी बात ये है कि हम जो है वीक में एक क्लास रीजनिंग की करवाएंगे, 20 दिन का खेल है रीजनिंग का, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, उसमें सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर होने हैं हमारे, एंड सेकंड जब हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं लाइव आके आप सबसे बात करूंगी कि आप सभी को कैसा लगा है मेरा पढ़ाना, और अगर उसमें कुछ मुझे बतानी है मिस्टेक, कोई भी मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने जो है यहाँ पर ये ऐसे अच्छा करवाया वैसे करवाया, मुझे मेरी गलतियाँ बतानी हैं कि मैं
अपनी तरफ से क्या बेहतर नहीं कर रही हूँ, कहाँ मेरे में जो है कमी है, वो कमियाँ मुझे बतानी हैं, ना कि मैंने यहाँ पे जो करवाया है किसी को अच्छा लगा हो, किसी का बुरा लगा हो, तो सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी कमियाँ सुनने के लिए जो मैं हर संडे लाइव आप सबसे बात करने वाली हूँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।